नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विदिशा में जिला पंचायत सीईओ ने बालिकाओं को टीका लगाया। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा के जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर योगेश भरसत ने जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका लगाया। बालिकाओं को, जिनके नाम पूर्वी, नैन्सी, मुस्कान, बलराम को टीकाकरण के पश्चात टीकाकरण कार्ड भी वितरित किया गया। विदिशा संवाददाता मोनिश शाह की रिपोर्ट। जी सर, शुभ नाम क्या है आपका? सर, डॉक्टर सुराम सिंह कुशवाहा, CMHO विदिशा। सर, क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है जहां पर? अभी जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन शुरू हुआ है। ये 1 साल से 15 साल तक के बच्चों को लगाए जाएंगे टीके, और ये अभी आंगनवाड़ी पे फर्स्ट वीक में लगाए जाएंगे और उसके बाद फिर स्कूल में बच्चों को लगाएंगे। कहाँ कहाँ इसकी सुविधा उपलब्ध होगी? सभी अपने सेंटर पे, आंगनवाड़ी सेंटर और जो स्कूल है उनको भी चिन्हांकित कर लिया गया है। स्कूल पे भी जाके उनको वैक्सीनेशन। कितने वर्ष से चालू है? 1 वर्ष से 15 वर्ष तक। कितनी तारीख तक चलेगा सर ये कार्यक्रम आपका? ये सर अभी 1 महीने चलेगा। ठीक है, धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा, जिला टीकाकरण अधिकारी, जिला विदिशा। जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ था जहाँ पर? हमारे ज़िले में आज JEE वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, जो कि 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। यह कार्यक्रम 2 चरणों में शुरू संपादित किया जाएगा। पहले चरण में कम्युनिटी बेस यानी आंगनबाड़ी पर कार्यक्रम होगा। आंगनबाड़ी में 1 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को JEE का टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूली बच्चों को, 5 साल से 15 साल तक के बच्चों को JEE का टीका लगाया जाएगा। JEE एक खतरनाक, लाइलाज और जानलेवा बीमारी है। इस वैक्सीनेशन ही केवल इसका बचाव है, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इस संबंध में ये टीकाकरण पूरे ज़िले में हो रहा है। सभी ब्लॉकों में टीमें बनी हुई, करीब 236 टीम बनी हुई है, और सभी जगह ये वैक्सीनेशन अभी आंगनवाड़ी स्तर पर होगा और आगे जो है स्कूल स्तर पर होगा। ठीक है सर, धन्यवाद।